आज इस वीडियो अपडेट में हम बात करने वाले हैं ट्रेन नंबर 08604 के बारे में, जो कि भागलपुर से नहीं गोड्डा से रांची के बीच चलती है। हालांकि पहले यह ट्रेन भागलपुर से रांची के बीच चलती थी, लेकिन रेलवे ने एक्सटेंशन करने के बाद इस ट्रेन को अब गोड्डा से चला रही है। इसी अपडेट में जानेंगे इस ट्रेन में हुए बड़ा परिवर्तन के बारे में, और अगर परिवर्तन हुआ है तो यह कौन सा अपडेट लेकर के आया है, इसके अलावा क्या सुविधाएं मिलेगी इस ट्रेन में, सभी का डिटेल्स हम इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेलवे के आर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, साथ ही हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। गोड्डा से रांची के बीच चल रही गोड्डा रांची एक्सप्रेस ट्रेन में एक परिवर्तन होने जा रहा है। हालांकि यह परिवर्तन अभी हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में यह परिवर्तन हो जाएगा। आपको बता दें कि यह ट्रेन गोड्डा से खुलने के बाद पोड़ैया हाट, हसडिया, मंदार हिल, बाड़ाहाट जंक्शन, भागलपुर, फिर इसके बाद यह ट्रेन सुल्तानगंज, बरियारपुर, जमालपुर, धरारा, अभयपुर, कजरा, क्यूल के रास्ते यह ट्रेन जमुई झाझा होते हुए रांची को जाती है, जहां की यह रेलवे स्टेशन में इसका स्टॉपेज दिया गया है। और झारखंड के कई बड़े रेलवे स्टेशन में भी यह ट्रेन रुकती है। धनबाद, चंद्रपुरा, बोकारो, स्टील सिटी में इसका स्टॉपेज रहता है। ऐसे में यह ट्रेन एक महत्वपूर्ण ट्रेन है, जो कि बिहार से न केवल झारखंड को जोड़ती है, बल्कि दोनों तरफ से आवागमन और व्यापार को भी बढ़ावा देती है। इसी के दरमियान इस ट्रेन को लेकर के एक अच्छी खबर आई है। दरअसल मालदा डिवीजन की ओर से सभी ट्रेनों को इलेक्ट्रिक इंजन से चलाने की कवायद पिछले साल से ही चालू है, और देखा गया है कि भागलपुर से संचालित होने वाली अधिकतर ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन से ही चल रही है, केवल कुछ ट्रेनों को छोड़ करके, जिनमें की यह ट्रेन भी शामिल है। इलेक्ट्रिक इंजन से चलने पर दो फायदा होगा। पहले तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, साथ ही ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। करीब करीब एक घंटा से ज्यादा समय की बचत होने वाली है, अगर इस ट्रेन से आप सफर करेंगे गोड्डा से भागलपुर के बीच तो। अभी गोड्डा से भागलपुर के बीच समय ज्यादा लग जाता है, जिसके कारण पैसेंजर भी परेशान होते हैं, और पैसेंजरों की मांग सदा से रही है कि ट्रेनों की गति बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर सिंगल लाइन होने के कारण अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है, जिसके बाद सभी कार्य अगर हो जाता है पूरा तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन की गति सीमा बढ़ेगी और आपको सुविधा भी बेहतर मिलेगी। फिलहाल के लिए अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और नई ट्रेनों का अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।